करना है भाई। अमित शाह कहता है कि अपनी नागरिकता साबित कीजिए। एक मिनट, हम अपनी नागरिकता साबित नहीं करेंगे, तुम साबित करो कि हम नागरिक नहीं है। कागज रखने का जिम्मेवारी है सरकार का, सरकार के पास कागज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि राफेल का फाइल क्या हुआ, तो सरकार ने कहा चोरी हो गया और हमसे हमारे बाप दादा का कागज मांग रहे हैं। एक इंसान का अलग अलग आईडी कार्ड में बाप का स्पेलिंग अलग अलग होता है, तो अलग अलग बाप है, के वो बाप है। किसी मत डरिए, ना कहने का अधिकार आपका संवैधानिक अधिकार है। अगर कोई हमको देशद्रोही कहता है तो यह मेरा टेंशन नहीं है कि हम अपने आप को देशभक्त साबित करें। जो हमको देशद्रोही कहता है ना, वो अपना नाक जो है ना एड़ी में रगड़े और कोर्ट में साबित करे कि हम देशद्रोही हैं। अगर कोई कहता है कि आप नागरिक नहीं है, तो उसको साबित करने दीजिए कि आप नागरिक है कि नहीं है। आप परेशान मत होइएगा, इस फेरा में क्यों पड़ना है भाई। अमित शाह कहता है कि अपनी नागरिकता साबित कीजिए। एक मिनट, हम अपनी नागरिकता साबित नहीं करेंगे, तुम साबित करो कि हम नागरिक नहीं है। हिम्मत लाइए, हिम्मत करके देखिए। और मैं आपको बता रहा हूं, हिंदू मुसलमान के इस बहस से बाहर निकलिए। ये समस्या एक धर्म की नहीं, सभी जाति की समस्या है। बात करके देखिए, मिल करके ये कारवां तैयार कीजिए। और ये जो बेईमान हमसे कागज मांग करके देश की संपत्ति को बेच रहे हैं, इस बेईमानों के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद कीजिए। ये वक्त की मांग है। हिम्मत लाइए, हिम्मत करके देखिए। और मैं आपको बता रहा हूं, हिंदू मुसलमान के इस बहस से बाहर निकलिए। ये समस्या एक धर्म की नहीं, सभी जाति की समस्या है। बात करके देखिए, मिल करके ये कारवां तैयार कीजिए। और ये जो बेईमान हमसे कागज मांग करके देश की संपत्ति को बेच रहे हैं, इस बेईमानों के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद कीजिए। ये वक्त की मांग है। का मसला ऐसा है कि कागज की गलती सिर्फ मुसलमान की नहीं होती है। इस देश में कागज की स्थिति यह है कि आप किसी जाति या किसी धर्म के लोगों का कागज उठा के देख लीजिए, एक इंसान का अलग अलग आईडी कार्ड में बाप का स्पेलिंग अलग अलग होता है, तो अलग अलग बाप है, के वो बाप है। किसी को भी देख लीजिए, वोटर आईडी आप किसी का उठा के देख लीजिए, नाम किसी और का रहेगा और फोटो किसी और का चिपका रहता है। पैदा किसी और साल में हुआ है और उस पर चढ़ा कोई और साल रहता है। और इसका संकट ये होगा कि अगर कागज की गलतियों के चलते लोगों के नाम काटे गए, तो इसको साबित करना मुश्किल होगा, क्योंकि मात्र 30% का रिकॉर्ड है लैंड का सरकार के पास, मात्र 30%। अब देखिए खेला, कागज रखने का जिम्मेवारी है सरकार का, सरकार के पास कागज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि राफेल का फाइल क्या हुआ, तो सरकार ने कहा चोरी हो गया और हमसे हमारे बाप दादा का कागज मांग रहे हैं। ये समझ लीजिए खेला। इसीलिए मैं आप तमाम लोगों को कहने के लिए आया हूं कि बिल्कुल भी मत डरिए, ना कहने का अधिकार आपका संवैधानिक अधिकार है। अगर कोई हमको देशद्रोही कहता है, तो ये मेरा टेंशन नहीं है कि हम अपने आप को देशभक्त साबित करें। जो हमको देशद्रोही कहता है ना, वो अपना नाक जो है ना एड़ी में रगड़े और कोर्ट में साबित करे कि हम देशद्रोही हैं। अगर कोई कहता है कि आप नागरिक नहीं है, तो उसको साबित करने दीजिए कि आप नागरिक है कि नहीं है। आप परेशान मत होइए, आई फेरा में मत पड़िए कि सब कागज ठीक करा लेंगे, ऐसा हो सकता है। एक छोटा उदाहरण हम आपको दे देते हैं। मोटरसाइकिल लेके जा रहे हो और दरोगा जी धर लिए, ठीक है,
तो कहेंगे दो कागज तो आप दीजिए। अच्छा उधर फरी में ना डिक्की भी नहीं खुलता है, जिस चाबी से स्टार्ट करना चाहिए उससे डिक्की खुलने लगता है। धरफरी में खोल रहे हैं, हाथ कांप रहा है, दरोगा जी टेब रहे हैं। खोले दिए आरसी। हाँ जी, केकर नाम से गाड़ी है? जी फलना के नाम से। कौन है? जी पप्पा है। अच्छा तुम्हारे पप्पा हैं? तो पड़ोसी पप्पा का गाड़ी लेके घूम रहे हैं। सवाल सब गौर कीजिएगा। अच्छा ठीक है, लाइसेंस कागज देखते देखते लीजिए हुजूर। तुम्हारे फोटो है इधर, मिल नहीं, मुंह नहीं मिल रहा है, लाइसेंस हो गया। अच्छा ठीक है, लाइसेंस है, आरसी है, इंश्योरेंस का कागज कहाँ है? आपको लगेगा आई बाप इंश्योरेंस भी देना पड़ेगा। आप इंश्योरेंस दीजिए, अब तीनों कागज देख लेंगे। तब दरोगा जी धीरे से मुस्कुरा के कहेंगे कि सब तो है बाबू, पॉल्यूशन का कागज नहीं है महाराज। सरकार आपको कागज देती है और सरकारी यदि ठान ले कि आपसे सबूत मांगना है तो आप कौन कौन कागज जमा कर दीजिएगा? इस फेरा में क्यों पड़ना है भाई? अमित शाह कहता है कि अपनी नागरिकता साबित कीजिए। एक मिनट, एक मिनट, हम अपनी नागरिकता साबित नहीं करेंगे, तुम साबित करो कि हम नागरिक नहीं है। हिम्मत लाइए, हिम्मत लाइए, हिम्मत करके देखिए। और मैं आपको बता रहा हूं, हिंदू मुसलमान के इस बहस से बाहर निकलिए। यह समस्या एक धर्म की नहीं, सभी जाति की समस्या है। बात करके देखिए, मिल करके ये कारवां तैयार कीजिए। और ये जो बेईमान हमसे कागज मांग करके देश की संपत्ति को बेच रहे हैं, इस बेईमानों के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद कीजिए। ये वक्त की मांग है।